हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, महिला के पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज एक ऐसा आम प्रक्रिया है जो हर महिलाओं के साथ होता ही है। कई बार आपके पीरियड्स आने के पहले आपका डिस्चार्ज बहुत पतला हो जाता है, कई बार ओवुलेशन को दर्शाता है, ओवुलेशन के दौरान ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक हो जाता है और इसमें इलास्टिसिटी बहुत होती है। तो ऐसे ही कुछ डिस्चार्ज आपको समय से पहले यानी पीरियड मिस होने से पहले ये बता सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। एक्चुअली ये बदलाव क्यों होते हैं और कब ऐसा डिस्चार्ज आपको फील होगा, किस दिन पे होगा पीरियड्स के बाद, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को फील करती हैं और समय से पहले ये जानना चाहती हैं कि आप माँ बनने वाली हैं या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा विदाउट स्किप किए हुए देखना स्टार्ट कर दीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका ओवुलेशन के दौरान कॉन्टेक्ट होता है एक जाकर के किसी सेल से फर्टिलाइज्ड होता है, उसके 10 दिनों की प्रक्रिया होती है उसके बाद की इम्प्लांटेशन की। इस दौरान जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, आपके गर्भ के अंदर आरोपण हो जाता है, तो उसके बाद से बहुत सारे हार्मोन बढ़ते हैं, प्रेगनेंसी के हार्मोन बढ़ते हैं, बीटा एससीजी का लेवल बढ़ जाता है, इसके साथ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और जिसके फलस्वरूप आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ डिस्चार्ज रिलीज होने लगता है। इस डिस्चार्ज का मेन मकसद होता है कि जो बढ़ता हुआ भ्रूण है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको इन्फेक्शन से बचाना है और साथ ही साथ आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है तो इसकी जितनी अशुद्धियाँ होती हैं वो डिस्चार्ज के रूप में बाहर हमेशा जाती रहती हैं। इसी वजह से पीरियड्स के पहले डिस्चार्ज का बदलना, ओवुलेशन के दौरान डिस्चार्ज का बदलना, जब इन्फेक्शन हो जाए तब डिस्चार्ज का बदलना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ये डिस्चार्ज ज़्यादा क्यों जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक भ्रूण को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, प्रोटेक्शन करना है, इसके लिए डिस्चार्ज अपनी मात्रा को काफ़ी ज़्यादा कर लेता है। दूसरी बात, प्रेगनेंसी के जो हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन जो बढ़ता है लेवल, इसकी वजह से भी डिस्चार्ज आपको ज़्यादा निकलता है। और तीसरी बात कि जब आपको डिस्चार्ज रिलीज होता है तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो भी मेंटेन रहता है ताकि एक भ्रूण ठीक तरीके से उसमें पल सके, नहीं तो ओवरहीट हो जाएगी या ओवर कूलिंग हो जाएगी तो आपका इम्प्लांटेशन फेल भी हो सकता है। इसलिए डिस्चार्ज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है और ये डिस्चार्ज काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होता है। अब दोस्तों जानते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे तो डिस्चार्ज आपको किस प्रकार का आना चालू होगा। आपको करीब हो सकता है कि पीरियड मिस होने के 10 दिन पहले से या अमूमन 7 डेज पहले से आपको डिस्चार्ज थोड़ा थिक जाने लगे, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आए और ये क्रीम कलर का हो, क्योंकि ऐसा डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के दौरान कई सारी महिलाओं को पूरे 9 महीने तक होता है, कई सारे महिलाओं को पहले, दूसरे और तीसरे महीने में ज़्यादा होता है, क्योंकि पहले दूसरे महीने में और तीसरे महीने में मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इस दौरान आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी रखना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो डिस्चार्ज बढ़ सकते हैं क्योंकि हार्मोन पे ये डिपेंड करते हैं, अगर हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ये डिस्चार्ज का मात्रा क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी डिस्चार्ज आ रहा है, इसी के साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है 1 या 2 डिग्री फारेनहाइट या फिर आपको फीवरिश जैसा फील हो रहा है, आपके लोअर एब्डोमिनल में बहुत माइल्ड सा पेन रह रहा है, इसी के साथ साथ प्रेगनेंसी के और भी सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं, उल्टियाँ आना, चक्कर आना, थकावट होना, ये सारे लक्षण आपको हल्के फुल्के से भी फील हो रहे हैं तो आप काफ़ी इजीली समझ जाइए कि कंसीव होने वाली है। और फिर भी आपको पीरियड मिस हो जाए तो 100% कंसीव होने के पूरे चांसेस है। तो आई रियली होप कि अब आप समझ गई होंगी डिस्चार्ज के थ्रू आप कैसे अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकती हैं। ऐसे ही कंसीव को लेकर के और भी सारे वीडियोस मेरे चैनल पे प्रतिदिन आते हैं। अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो उन वीडियोस में बताए गए टिप्स के द्वारा आप बहुत जल्दी कंसीव कर सकती हैं और महिलाओं के जैसे। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए, टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।